नीचे से लगी हुई दिख रही है, क्या हुआ ये, कैसे लग गई? मारुति ने क्लेम किया है कि इसकी जो बेल्ट है वो पहले से उन्होंने इम्प्रूव की है, तो वो एक्चुअल में इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सो आज हमारे सामने खड़ी है नई नवेली बलिनो जो हाल ही में लॉन्च हुई है और इसे परचेज किया है मिस्टर सौरभ ने। प्लीज फ्रेम में आ जाइए। हेलो हेलो। सो पहले तो आपने इसको कब परचेज किया, कितने दिन हुए इसको परचेज किया? इसको अभी 10 दिन भी नहीं हुए, 27 अप्रैल को परचेज किया हमने। अच्छा 27 को। कितने की पड़ी है आपको ये? हमने राजस्थान से लिए तो 7,52,000 रुपए की होंगे। कौन से वाला वेरिएंट है इसका? ये बेस है, सिग्मा बेस वेरिएंट आपने परचेज किया है। बेस कोई चूज करने की स्पेसिफिक वजह थी? बेस मॉडल क्योंकि ना मेरे पास पहले भी एक बलेनो है 2021 मॉडल, मैंने जून में ली थी और ये मेरी सेकंड बलेनो है और हमने इसमें डेल्टा लेना चाह रहे थे बट उसमें हमें कोई सफिशिएंट मतलब लगा नहीं, वो 1,00,000 रुपए महंगी थी बट उसमें कोई 1,00,000 रुपए वाला कोई फीचर हमें ऐसा लगा नहीं कि 1,00,000 वर्थ हो हमें एक्स्ट्रा देने के लिए। और बाकी इसमें पहले वाली बलेनो में जो मेरे पास है उसमें दो ही पावर विंडो थी आगे की, पीछे वाली नहीं थी। इसमें चारों पावर विंडो है और उसमें जो की है वो भी नॉर्मल थी बट इसमें ये वाली भी आ गई। तो ये नई वाली बलिनो फिर से खरीदने का कारण क्या था? कंटेंट के लिए, क्योंकि मुझे पता है आपका भी यूट्यूब चैनल है SG ऑटो व्लॉग्स नाम से, है ना? हाँ जी हाँ जी। तो बताओ क्यों आपने, मतलब ये था कि मुझे दोनों गाड़ियों के लिए थोड़ा सा इसमें अलग से काम करवाना था। अच्छा, तो इस वजह से गाड़ी लेनी ही थी। हाँ। तो बेस वेरिएंट लेके इसमें हम कुछ भी मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं तो हाँ। उसके लिए थोड़ा सा वीडियो वगैरह भी बना ही सकते हैं। अच्छा, मतलब आप अपडेट डालोगे अब जो भी करवाते हाँ। होंगे। तो अभी आपके पास पुरानी वाली बलिनो भी है, नई वाली भी आपने परचेज कर ली है, तो अभी नई वाली जो बलिनो आई है ना उसमें मारुति ने क्लेम किया है कि इसकी जो बेल्ट है वो पहले से उन्होंने इम्प्रूव की है, तो आपसे बेटर ये कोई नहीं बता सकता कि वो एक्चुअल में इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है, इस पे आपका क्या ओपिनियन? देखो इम्प्रूव तो हुआ है, इसमें वेट भी बढ़ाया है मारुति ने 50-55 किलो, वो बता भी रहे हैं। बाकी ऐसे मतलब चेक करते हैं तो पता चलता है, हालांकि मेरी पुरानी वाली बलेनो वो एक बार एक्सीडेंट हो भी चुकी है और वो एक साइड से बिल्कुल खत्म भी हो गई थी बट फिर भी ट्रस्ट था और लग रहा था कि हाँ इम्प्रूव है, चलाने में थोड़ा सा क्वालिटी भी अलग है पहले से। यार वैसे अगर आप इनके ये डोर्स वगैरह भी देखोगे, ये बोनट भी देखोगे, वैसे तो अभी ये काफ़ी हीट हो रखा है बट हाँ पहले वाली बलिनो के कंपैरिजन में आपको कुछ हद तक लगेगा कि चादर जो है ना इस बार मोटी है पहले के कंपैरिजन में। अरे आपने इन्वॉल्व का परफ्यूम लगा रखा है यहाँ पे? जी हाँ मैम। कैसा लगा भाई, क्या ओपिनियन है इसके ऊपर आपका? बहुत ही बढ़िया है, मेरी पहले वाली गाड़ी में मस्क लगा हुआ था जो ड्राया था तो उसकी फ्रेग्रेंस तो बहुत ही अच्छी थी, वो ना स्पिल होता है ना कुछ, तो एक जगह रखा रहेगा तो अच्छा होता था बिल्कुल। हाँ। तो इस बार मैंने नई गाड़ी में नया स्प्रे वाला यूज करने का सोचा कि इसमें देखते हैं कैसा है और अभी मैं स्प्रे करके लाया था, इस पर दो बार स्प्रे करो तो काफी अच्छी इसकी जो है बढ़िया लगता है, एकदम खुशबू अच्छी लगती है। सो यार आपको ना बस इसको ऐसे ओपन करके दो बार इसके ऊपर कुछ इस तरह से स्प्रे करना है, न्यू एट गुड टू गो, पूरी गाड़ी में इसकी खुशबू फैली होती है, अभी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो भाई ये तो इनका है, हम वापस रख देते हैं। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कूपन कोड हर गैरेज यूज करोगे तो 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। यार ऑनेस्टली मुझे तो बलिनो स्पेस वाइज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, पीछे बैठे लोग भी एकदम कंफर्टेबली ट्रैवल करेंगे, आपका क्या ओपिनियन है, आपको स्पेस वाइज कैसी लगी बलिनो? स्पेस के लिए बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, पहले वाली में भी बहुत अच्छा था और इसमें भी बहुत अच्छा स्पेस है और मेनली इसको परचेज करने का रीजन भी यही था कि एक हैचबैक गाड़ी में इतना स्पेस है ना शायद और किसी गाड़ी में नहीं मिलता, और जो इसका बूट है ना वो आप डिजायर से उसको कंपेयर कर सकते हो, इतना तो बूट है इसका। तो बूट में आपका कहना था कि डिजायर से आप कंपेयर कर सकते हो या डिजायर जितना कह सकते हो, तो ये बेस ट्यूब रखने के बाद भी आपका ऐसा मानना है कि आप कंपेयर कर पाओगे डिजायर से? बेस ट्यूब को देखिए, आप इसको एक सीएनजी सिलेंडर की तरह कंपेयर कर सकते हो, उतनी बड़ी ये बेस ट्यूब है ठीक है। उसके बाद आप इसमें गैप देखिए ठीक है, इतना ही गैप आपको डिजायर में मिलने वाला है अगर सीएनजी वाली डिजायर की बात करते हैं ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हो इजीली। चलो तारीफें तो बहुत सुन ली, फैन भी हो आप बलिनो के, मतलब फिर एक बार नई बलिनो आपने परचेज कर ली है, लेकिन हर गाड़ी में कोई कमियां तो होती है, तो आपके हिसाब से बलिनो में आपको क्या कमी लगी नई वाली बलिनो में? नई वाली बलिनो में एक तो इसकी थोड़ा सा ना मतलब ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम है, नीचे टच हो जाती है जल्दी से, वो वाली भी हो जाती है वो तो, और एक ना इसमें ये जो हम पेट्रोल डलवा रहे हैं ना तो फिर भी इसमें ये शायद कमी है, इसको मेरे को दिखाना पड़ेगा, ये इसके जो पेट्रोल मीटर है ये ऐसे ही कर रहा है कितने का भी डलवा रहे हैं तब भी। आपके कहने का मतलब है चाहे आप टैंक फुल करवा लो तो भी ऐसे ही दिखेगा ब्लिंक करता हुआ कि फुल नहीं है? टैंक फुल करने में तो कोई दिक्कत नहीं है बट चाहे आप 15 लीटर डलवा लो चाहे 20 लीटर डलवा लो बट ये ऐसे ही करता है ठीक है। बाकी देख लीजिए आप एवरेज भी इसमें अभी 22.5 की दिखा रहा है बट फिर भी ये ऐसे ही करता रहता है, इसको हमें चेक करवाना पड़ेगा। तो एक बलिनो आपके पास पहले से ही थी आपने बताया, उसके बाद आपने फिर से नई वाली बलिनो भी ले ली, तो ऐसा क्या प्यार हो गया आपको सुजुकी से कि आपने फिर से बलिनो परचेज कर ली?
एक्चुअली क्या था कि पहले वाली जो बलेनो है ना उसकी रनिंग बहुत ज्यादा थी, वो उसको अभी 9 महीने भी नहीं हुए और वो 30+ चल गई है। okay. तो हमें सेकंड गाड़ी चाहिए थी घर में। अच्छा। तो हम पंच वगैरह भी देख के आए थे, बट फिर ये लॉन्च हुई ना तो इसके हमने फीचर वगैरह देखे तो फिर यही अच्छी लगी, और पहले यूज भी की हुई है, माइलेज ट्रस्ट सा बिल्ड हो गया था आपका। माइलेज के लिए भी आपको थोड़ी चाहिए थी, रनिंग ज्यादा है आपकी। हाँ रनिंग बहुत ज्यादा है, आप ये लगा सकते हैं 9 महीने में वो वाली गाड़ी 30,000 चल गई है। तो अभी आपके पास दोनों बलेनो है, दोनों की माइलेज क्या, मतलब पहले वाली कितनी दे रही थी, अभी ये कितनी दे रही है? मुझे ये वाली ज्यादा लगती है, वो उससे मैंने मैक्सिमम 22 निकाला था, ठीक है, बट अभी मैं इसको अभी ड्राइव करके आया हूँ तो ये 24 निकाल रही है। सही है, हाईवे पे 22 निकाल रही है। अभी इसकी कोई सर्विस वगैरह भी नहीं हुई, ये लगभग 500-600 किलोमीटर ही चली है अभी। आपने बेस वेरियंट परचेज किया है, जनरली बेस वेरियंट में बहुत ज्यादा चीजें आती नहीं है, बट इस बार ना सुजुकी ने बहुत अच्छा काम किया, ये ऑटोमेटिक एसी दे दिया आपको, तो कैसा लगा, मजा आया ये ऑटोमेटिक एसी यूज करके? रियल बताऊं तो ना एसी तो मुझे उस वाली गाड़ी का अच्छा है जो मैनुअल है ना। हाँ। ये ऑटोमेटिक वाला इतना मतलब पावरफुल मेरे को नहीं लग रहा, उस वाली के कंपैरिजन उसका ज्यादा ठंडा लगता है, उसका ज्यादा अच्छा है। उसका 2 नंबर पे हमें कभी 3 नंबर पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बट इसका तो फिट फुल करके आएंगे ना तो फैन की आवाज आती है, बट उतना कूलिंग कर नहीं पाता है। पर वैसे इस बार गर्मी भी बहुत टाइम से बहुत ज्यादा हुई है पिछले सालों के कंपैरिजन में। यार ये बात मुझे बहुत सही लगती है कि इसमें बेस वेरिएंट में आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए जा रहे हैं, तो यार छोटी छोटी चीजों का इस बार काफी अच्छे से ध्यान रखा गया है। कमी ये कर दी है कि ना थोड़ा सा ये गैप्स वगैरह ना बहुत ज्यादा कर दिए हैं, देखिए एज है ना ये अलग से ही दिख रही है हाथ में भी, ये इस बार बहुत ज्यादा किया, पहले बार तो नहीं था इतना, बट ये कुछ ज्यादा ही कर दिए हैं। तो मतलब पैनल गैप्स थोड़े से इम्प्रूव करने की नीड है, एक्चुअली मुझे भी लग रहा है थोड़े से ज्यादा फील हो रहे हैं कुछ कुछ जगहों पे। आपने पुरानी वाली बलेनो भी यूज की है, नई वाली तो खैर अभी कुछ ज्यादा ही नहीं है, पर सर्विस एक्सपीरियंस तो आपको पता होगा कि मारुति का कैसा है, तो आपके लिए कैसा लगा आपको? देखो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे सर्विस बहुत बढ़िया देती है मारुति। अच्छा। मतलब अगर आप सुबह गाड़ी दोगे तो शाम दोपहर तक करके दे देते हैं वापस, और अगर कॉस्ट की बात करूँ तो 10,000 किलोमीटर की जो सर्विस थी वो मेरी 1,200 रुपए में हो गई थी। सही। ठीक है, बट 20,000 किलोमीटर वाली जो थी उसमें मेरे लगे थे शायद 6400 या 6500 के आसपास, वो मेजर सर्विस हो गई थी, तो उसमें मैंने ना मतलब खुद से कह के ब्रेक चेंज करवा लिया। अच्छा यार ये नीचे से लगी हुई दिख रही है, क्या हुआ ये, कैसे लग गई? ये मैंने भी अभी देखा है, तो ये शायद कोई गड्ढे वगैरह में जाके ना, मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा सा इशू है इसमें, इसे टच हो गई है थोड़ी सी। अपनी कार को 10 में से कितने स्टार रेटिंग दोगे? 7-8। इतने काट लिए बलेनो के इतने बड़े फैन होने के बाद, एक बार आपने फिर नई बलेनो खरीदी है तो 2-3 स्टार क्यों काटे आपने? बलेनो लेना ये लगा लीजिए मजबूरी थी कुछ, क्योंकि स्पेस वगैरह के लिए। हाँ। बाकी और किसी गाड़ी पर मेरे को ट्रस्ट हो नहीं पा रहा था, इस वजह से मैंने बलेनो ली। हाँ। ठीक है, बाकी अगर 2 स्टार मैंने काटे हैं तो थोड़ा सा जो कुछ कमियां हैं मैंने आपको बताई उस वजह से। तो यार आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। बाय बाय।